कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 3 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का गुस्सा अब पश्चिम यूपी के इलाके में बीजेपी नेताओं को भी देखना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट 5,50,270 करोड़ का पेश किया है, जिसमें योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए कई योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सूबे की योगी सरकार ने किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपयों की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए विकास का पिटारा खोल दिया है। ऐसे में यह देखने लायक होगा कि सरकार की इस लोक लुभावनी घोषणाओं से किसानों का गुस्सा कितना कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।